ओम शांति। आज की मुरली में बाबा ने अमृत वेले के ऊपर अटेंशन खिंचवाया कि बच्चों को अमृत वेले बाप के रूप में, टीचर के रूप में और सतगुरु के रूप में बाबा को याद करना है। बाप के रूप में बाबा हम बच्चों की पालना करते हैं, टीचर के रूप में हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं और सतगुरु के रूप में हम बच्चों को ज्ञान से श्रृंगार करके अपने घर ले जाने के लिए बाबा आए हुए हैं। बाबा हम बच्चों को श्रृंगार करते हैं और विश्व का मालिक बनाते हैं। तो आज की 18/5/20 के प्यारे बाबा के महावाक्य हैं। बाबा समझाते हैं, मीठे बच्चे तुम फिर से अपने ठिकाने पर पहुंच गए हो, तुम फिर से अपने ठिकाने पर पहुंच गए हो। तुमने बाबा के द्वारा रचता और रचना को जान लिया है तो खुशी में रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। ये बहुत खुशी की बात है। तो बाबा ने कहा बच्चों के खुशी में रोमांच खड़े हो जाने चाहिए क्योंकि हमने बाप के द्वारा रचना और रचयिता को जान लिया है। बाबा ने पूछा, इस समय बाबा तुम बच्चों का श्रृंगार क्यों कर रहे हैं? क्या पूछ रहे हैं बाबा? इस समय बाप तुम बच्चों का श्रृंगार क्यों कर रहे हैं? उत्तर है, क्योंकि अभी हमें सज धज कर विष्णुपुरी में जाना है, अर्थात सत्युग में जाना है। हम इस ज्ञान से सजकर विश्व के महाराजा महारानी बनते हैं। अभी हम संगम युग पर हैं, बाबा हमको टीचर बनकर पढ़ा रहे हैं, पियर घर से ससुर घर में ले जाने के लिए। बाबा हम बच्चों को यहाँ से कहाँ ले जा रहे हैं? सत्युग में ले जाने के लिए बाबा हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं। गीत है, आखिर वह दिन आया आज। ओम शांति। मीठे मीठे स्वीट चिल्ड्रन, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों ने गीत सुना। तुम बच्चे जानते हो आधा कलब जिस माशूक को याद किया है, आखिर वे हमको मिल गया है। दुनिया ये नहीं जानती कि हम कोई आधा कलब भक्ति करते हैं, कि हमने अभी ही भक्ति नहीं कर रहे हैं, हम तो भक्ति करते आए हैं। माशुक बाप को पुकारते हैं, हम आशिक हैं, वे माशुक है। ये भी कोई नहीं जानते हैं कि हम परमात्मा के आशिक हैं और बाबा हमारा माशुक है। बाबा कहते, रावण ने तुमको बिल्कुल तुच्छ बुद्धि बना दिया है, खास सो भी भारतवासियों को। तुम देवी देवता थे ये भी भूल गए हो, तो तुच्छ बुद्धि हुए ना। अपने धर्म को भूल जाना ये है तुच्छ बुद्धि का काम। अभी ये सिर्फ तुम ही जानते हो, हम भारतवासी स्वर्गवासी थे। ये भारत स्वर्ग था थोड़ा ही समय हुआ, 1250 वर्ष तो सत्युग था और 1250 वर्ष राम राज्य चलता है। उस समय अथाह सुख था। बाबा क्या समझा रहे हैं? सत्युग में क्या था? अथाह सुख था। सुख को याद करके तुम बच्चों के रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। बाबा ने कहा पहले सत्युग आया, उसके बाद त्रेता युग आया। बाबा ने कहा फिर ये पास हो गया, सत्युग की आयु क्या थी ये कोई नहीं जानते हैं। लाखों वर्ष कैसे हो सकता है? बाबा ने कहा किसी भी बाबा ने कहा युग की आयु इतनी कैसे हो सकती है? अभी बाबा आकर के समझाते हैं, तुमको माया ने तुच्छ बुद्धि बना दिया है। दुनिया में कोई अपने को तुच्छ बुद्धि नहीं समझते। तुम जानते हो हम कल तक तुच्छ बुद्धि थे, अभी बाबा ने हमको इतनी बुद्धि दी है
की जो रचता और रचना के आदि मध्य अंत को हम जान गए हैं। कल नहीं जानते थे, आज जाना है। जितना जितना जानते जाते हैं उतना खुशी में रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। हम फिर से अपने ठिकाने पर पहुंचते हैं, बरोबर बाबा ने हमको स्वर्ग की रजाई दी थी, फिर हमने, हमने कहा हमने ही गंवा दी। बाबा देते हैं और हम गंवाते हैं। रावण राज्य में पावन कोई हो नहीं सकता है। ऊंच से ऊंच बाबा के बच्चे बनने तो ऊंच भी बने ना। तुम बच्चों ने बाप को जाना है, सो भी नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार। अपनी दिल से सवेरे उठकर पूछो, अमृत वेले का समय अच्छा है। सवेरे अमृत वेले बैठकर ये ख्याल करो, बाबा हमारा बाप भी है, टीचर भी है और सतगुरु भी है। ओ गॉड फादर, हे परमपिता परमात्मा तो कहते ही आए हैं। अभी तुम बच्चे जानते हैं, जिसको हम याद करते हैं, हे भगवान अभी वही हमको आकर के मिला है। हम फिर से बेहद का वर्षा ले रहे हैं। वह है लौकिक बाप और ये है बेहद का बाप। तुम्हारा लौकिक बाप भी उस बेहद के बाप को याद करते हैं। तो बापों का बाप, पतियों का पति शिव बाबा हो गया। ये भी भारतवासी ही कहते हैं, क्योंकि मैं अभी बापों का बाप, पतियों का पति बनता हूँ। अभी मैं तुम्हारा बाप हूँ और तुम मेरे बच्चे बने हो। बाबा बाबा कहते रहते हो, अभी फिर तुमको विष्णुपुरी ससुर घर में ले जाता हूँ। आज बाबा ने सत्यु को क्या कहा, ससुर घर। ये तुम्हारे बाप का घर है, फिर तुम ससुर घर जाएंगे। बच्चे जानते हैं हमको बहुत अच्छा श्रृंगारा जाता है। बाबा हम बच्चों को भी कितना श्रृंगारते हैं, कितना गुणों से श्रृंगार करते हैं। अभी तुम पियर घर में हो ना, तुमको पढ़ाया भी जाता है। तुम इस ज्ञान से सजकर विश्व के महाराजा महारानी बनते हो। तुम यहाँ आए हो विश्व का मालिक बनने के लिए। तुम भारतवासी ही विश्व के मालिक थे, जबकि क्या था, कब विश्व के मालिक थे, जब सत्युग था। अभी तुम ऐसे नहीं कहेंगे कि हम विश्व के मालिक हैं। अभी तुम जानते हो भारत के मालिक कलयुगी हैं। हम तो अभी कहां पर हैं, बाबा ने कहा अभी हम कलयुग में नहीं कहते खुद को, क्या कहते हैं, संगम युग पर हैं। सत्युग की आदि, सत्युग की शुरुआत है और कलयुग का अंत, उस बीच के युग को संगम युग कहते हैं। फिर हम सत्युग में सारे विश्व के मालिक बनेंगे। ये बातें तुम बच्चों की बुद्धि में आनी चाहिए। जानते हो विश्व की बादशाह ही देने के लिए बाप आया है। अभी संगम युग पर वे आए हैं। ज्ञान दाता तो एक ही बाप है। बाप के सब सिवाय किसी भी मनुष्य को ज्ञान दाता नहीं कहेंगे, क्योंकि बाप के पास ऐसा ज्ञान है जिससे सारे विश्व की सदगति हो जाती है, तत्वों सहित सबकी सदगति हो जाती है। मनुष्यों के पास तो सदगति का ज्ञान है ही नहीं। इस समय सारी दुनिया तत्वों सहित तमो प्रधान है। बाबा ने कहा आत्मा भी पतित और प्रकृति के पांचों तत्व भी पतित हैं। तो बाबा ने कहा फिर ये शरीर भी क्या हुआ, ये भी पतित हुआ ना, तमो प्रधान हुआ। इसमें रहने वाले भी तमो प्रधान है। नई दुनिया है ही सत्युग, उसमें रहने वाले भी देवता थे, फिर रावण ने जीत लिया। अभी फिर बाबा आए हुए हैं। तुम बच्चे कहते हो हम जाते हैं बाप दादा के पास। बाबा हमको दादा के द्वारा स्वर्ग की बादशाही क्या करते हैं, स्वर्ग की बादशाही का वर्षा देते हैं। बाबा तो स्वर्ग की बादशाही देंगे ना, बाबा और क्या देंगे। बाबा क्या कह रहे हैं, बाबा और क्या देंगे। तुम बच्चों की बुद्धि में ये आना चाहिए कि बाबा हम बच्चों को स्वर्ग का वर्षा देते हैं, स्थाई। लेकिन बाबा ने कहा माया क्या कर देती है, माया भुला देती है
और स्थायी खुशी में बच्चों को रहने नहीं देती। जो अच्छी रीति पढ़ेंगे पढ़ाएंगे वही ऊंच पद पाएंगे। गाया हुआ भी है सेकंड में जीवन मुक्ति, पहचानना तो एक ही बार चाहिए। अब बाबा ने कहा पहचान लिया तो अभी बाप को याद करो। सभी आत्माओं का बाबा एक है, वे सभी आत्माओं का बाप आया हुआ है, परंतु सब तो मिल नहीं सकेंगे, इम्पॉसिबल है ना। बाबा तो पढ़ाने आते हैं, तुम भी सब टीचर्स हो। कहा भी जाता है गीता पाठशाला, ये अक्षर भी कॉमन है। कहते हैं कृष्ण ने गीता सुनाई, अब ये कृष्ण की तो पाठशाला है नहीं, कृष्ण की आत्मा पढ़ रही है। बाबा ने कहा ब्रह्मा बाबा ही क्या है, श्री कृष्ण की आत्मा है, लास्ट जन्म में है। तो बाबा ने कहा साधारण शरीर में है ना, तो उन्होंने भी पढ़ाई पढ़ी। सत्यों में कोई गीता पाठशाला में पढ़ते पढ़ाते हैं? बाबा ने कहा वहां तो नहीं पढ़ेंगे पढ़ाएंगे, कृष्ण तो हुआ ही सत्युग में, फिर 84 जन्म लेते हैं, एक भी शरीर दूसरे से नहीं मिल सके। ड्रामा प्लान अनुसार हर एक आत्मा में अपना अपना पार्ट नूंधा हुआ है, एक सेकंड ना मिले दूसरे से, ये 5000 वर्ष का तुम ही पार्ट बजाते हो। एक सेकंड का पार्ट दूसरे सेकंड से नहीं मिलता है, बाकी वे शास्त्र तो सब भक्ति मार्ग के हैं। बाबा ने कहा पढ़ते ही आए हम, बच्चों नहीं पढ़े हैं। आधा कलब भक्ति चलती है, फिर सर्व को सदगति मैं ही आकर देता हूँ। तुम जानते हो 5000 वर्ष पहले हम राज्य करते थे, हम सदगति में थे, दुख का नाम निशान भी नहीं था। अभी तो बाबा ने कहा दुख ही दुख है, अभी क्या दुनिया में दुख ही दुख है। इसको दुख धाम कहा जाता है, शांति धाम, सुख धाम और दुख धाम। बाबा ने कहा तीनों युग है ना, तीनों लोक हैं। बाबा ने कहा शांति धाम, सुख धाम और दुख धाम। तो बाबा ने कहा शांति धाम में शांति होती है और सुख धाम में हम आत्मे जीवन मुक्त अवस्था में रहती हैं, देवी देवता जिस बनते हैं वहां पर, और जिसको हम स्वर्ग कहते हैं, और सब आत्माएं सुख की अवस्था में रहती हैं। और दुख धाम बाबा ने कहा कलयुग को कहते हैं। भारत वासियों को आकर सुख धाम का रास्ता बताता हूँ, कलब कलब फिर हमको आना पड़ता है, अनेक बार आया हूँ आता ही रहूंगा, इसकी एंड हो नहीं सकती है। तुम चक्र लगाकर दुख धाम में आते हो, फिर मुझे आना पड़ता है। अभी तुमको स्मृति आई, किसकी? बाबा ने कहा 84 जन्मों की स्मृति आ गई। अब बाबा को रचता कहा जाता है, ऐसे नहीं ड्रामा को कोई रचता, बाबा ने कहा ड्रामा को कोई बैठ करके रचता है, रचता अर्थात इस समय सत्युग की रचना बाबा करते हैं। सत्युग में जिनों का राज्य था फिर गंवाया, उनों को मैं बैठकर पढ़ाता हूँ, बच्चों को एडाप्ट करते हैं। बाबा किसके तन के द्वारा? ब्रह्मा बाबा के तन के द्वारा हम बच्चों को एडाप्ट करते हैं। उन बाबा ने कहा उनके मुखारविंद द्वारा हमारा क्या होता है, अलौकिक जन्म होता है। तो बाबा ने कहा हम क्या हैं? बाबा के एडाप्टेड बच्चे हैं। तुम मेरे बच्चे हो, तुमको कोई साधु संत आदि नहीं पढ़ाते, पढ़ाने वाला तो एक ही बाप है, जिसको सब याद करते हैं। याद किसको करते, जरूर कभी तो आएंगे ना, ये भी किसी को समझ नहीं है कि याद क्यों करते हैं। तो जरूर पतित पावन बाप आते हैं, क्राइस्ट को ऐसे नहीं कहेंगे कि फिर से आओ, वे तो समझते हैं कि लीन हो गया, कि फिर तो आने की बात ही नहीं रहेगी। याद फिर भी पतित पावन को ही करते हैं। और क्या याद करते हैं? बाबा हमको आकर के वर्षा दो। अब तुम बच्चों को स्मृति आई है, बाबा आए हुए हैं, नई दुनिया की स्थापना करेंगे,
वे फिर भी अपने समय पर रजोतमो में ही आएंगे। बाबा क्या समझा रहे हैं कि बाबा तो अपने समय पर ही आते हैं, जब सारी दुनिया की तमो प्रधान अवस्था है तब बाबा आते हैं। अभी तुम बच्चे समझते हो हम मास्टर नॉलेजफुल बनते हैं। एक बाप ही है जो तुम बच्चों को पढ़ाकर विश्व का मालिक बना देते हैं, खुद नहीं बनते हैं। इसलिए उनको कहा जाता है, बाबा को कहेंगे निष्काम सेवाधारी, क्योंकि बाबा को खुद के लिए कोई कामना नहीं है, बाबा कुछ खुद हमारे से कुछ नहीं चाहते हैं। मनुष्य कहते हैं हम फल की आशा नहीं रखते, निष्काम सेवा करते, लेकिन बाबा ने कहा ऐसा होता ही नहीं है। जो हम करेंगे उसका फल तो हमें अवश्य ही मिलना है। जैसे संस्कार ले जाते उस अनुसार हमको जन्म मिलता है, कर्म का फल तो अवश्य मिलेगा। चाहे बाबा ने कहा बुरा करते हैं उसका भी मिलता है, और अच्छा करते हैं तो उसका भी मिलेगा ना। सन्यासी भी पूर्ण जन्म गृहस्थियों के पास लेकर फिर संस्कार अनुसार सन्यास धर्म में चले जाते हैं। जैसे बाबा लड़ाई वालों का मिसाल देते हैं, कहते हैं गीता में लिखा हुआ है जो युद्ध के मैदान में मरेगा वो कहाँ जाएगा, स्वर्ग में चले जाएगा। परंतु स्वर्ग का भी समय चाहिए, स्वर्ग तो लाखों वर्ष कह देते हैं। अब तुम जानते हो बाबा क्या समझाते हैं और गीता में क्या लिखा हुआ है। कहते भगवान उवाच, क्या हूँ भगवान को क्या कह दिया, सर्वव्यापी हूँ। बाप कहते हैं मैं अपने को ऐसी गाली कैसे दूंगा कि मैं सर्वव्यापी हूँ। कुत्ते बिल्ली कण कण में सब में किसको कह दिया, सब में कह दिया सब में भगवान है। मुझे तो ज्ञान सागर कहते हैं, मैं अपने को फिर ये कैसे कहूंगा। कितना झूठ है, ज्ञान तो कोई में है नहीं। सन्यासियों आदि का मान कितना है क्योंकि वो तो पवित्र है ना। सत्यु में गुरु तो कोई होता नहीं है। यहाँ तो स्त्री को कहते हैं तुम्हारा पति ही तुम्हारा गुरु भी है, तुम्हारा ईश्वर है, उनकी पूजा करो। या फिर ये कहते हैं कि जो पति करता है वो आधा स्त्री को मिलता है। लेकिन बाबा ने इस बात को क्या किया, इस बात को बाबा ने इस बात के लिए क्या कह दिया कि ऐसे नहीं होता है, जो करेगा उसी को ही प्राप्ति होगी। देखो भक्ति की शुरुआत में भी गुरु होते हैं, पति सब कुछ है गुरु नहीं करते। इन सब बातों को अब तुम समझ जाते हो। कई मनुष्य तो ब्रह्मा कुमार कुमारियों का नाम सुनकर ही डर जाते हैं, क्योंकि समझते कि ये तो भाई बहन बनाते हैं। अरे प्रजापिता ब्रह्मा का बच्चा बनना तो अच्छा ही है ना, क्योंकि बाबा ने कहा ब्रह्मा तो सर्व का पिता है, वो केवल ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियों का पिता नहीं है, सारी दुनिया का वो पिता है। बाबा ने कहा बीके ही स्वर का वर्षा लेते हैं, अभी तुम ले रहे हो, तुम ब्रह्मा कुमार कुमारी बने हैं, दोनों कहते हैं अब किस रूप में भाई बहन है हम। बाबा ने कहा शरीर के नाते से तो भाई बहन हो सकते, लेकिन परमात्मा के बच्चे हैं तो आत्मा रूप में क्या हुए, वो हमारा पिता हुआ, हम सब उसकी आत्मा ही हैं, तो क्या हो गए, हम भाई भाई हो गए ना। तो बाबा ने कहा उस रीति से कहते हैं, शरीर का भान देखो विकारों की बांस निकल जाती है, हम एक बाप के बच्चे भाई बहने तो विकारों में कैसे जा सकते हैं, ये तो महान पाप है ना। ये पवित्र रहने की युक्ति भी बाबा भी ड्रामा में बताते हैं। सन्यासियों का तो निवृत्ति मार्ग है, तुम तो प्रवृत्ति मार्ग वाले हो। अब तुम्हें इस छीछी दुनिया के रसम रिवाज को छोड़कर इस दुनिया को भूल जाना है, क्योंकि बाबा ने कहा जब शरीर छोड़ते हैं तब भी तो सभी क्या करते हैं, सभी सगे संबंधी कहेंगे अब राम का नाम लो, भगवान को याद करो। तो बाबा ने कहा जीते जी समय से पहले क्या करें, हमें इस देह को और इस देह की दुनिया को भूलने का पुरुषार्थ करना है। स्वर्ग के मालिक थे फिर रावण ने हमको छीछी बना दिया, ये भी बाबा ने समझा दिया। कोई कहे हम कैसे माने, बाबा ने कहा कहते हैं कि हम कैसे माने,
कि हमने 84 जन्म लिए हैं। 84 जन्म लिए, ये तो हम अच्छा ही कहते हैं ना। 84 जन्म लिया, नहीं लिया तो ठहरेगा ही नहीं, समझा भी जाता है ये देवी देवता धर्म का है ही नहीं, स्वर्ग में ये आ नहीं सकेगा। प्रजा में कम पद पाएंगे, प्रजा में भी बाबा ने कहा कोई अच्छा पद पाते हैं, कोई कम पद पाते हैं। तो बाबा ने कहा पद का आधार क्या है? हमारा पुरुषार्थ। जैसा पुरुषार्थ करेंगे वैसे ही बाबा ने कहा प्राप्ति होगी। ये बातें कोई शास्त्रों में नहीं है, भगवान आकर किंगडम स्थापन करते हैं। श्री कृष्ण तो वैकुंठ का मालिक था, स्थापना तो बाप करते हैं। बाबा ने ही हमको गीता सुनाई है जिससे ये पद पाया है, फिर तो पढ़ने और पढ़ाने की दरकार नहीं रहेगी। तुम पढ़कर पद पा लेते हो, फिर थोड़े ही गीता का ज्ञान पढ़ेंगे। ज्ञान से ही हमारी सदगति होती है। जितना पुरुषार्थ करते हैं उतना ही ऊंच पद की प्राप्ति होती है। तो बाबा ने कहा जितना पुरुषार्थ हमने कल पहले किया था और वह करते रहते हैं। साक्षी होकर देखना है, टीचर को भी देखना है, इसने हमको पढ़ाया है, हमको इनसे भी होशियार बनना है। बाबा ने कहा ब्रह्मा बाबा को फॉलो करो और ब्रह्मा बाबा जैसे नंबर वन बने तो ये समझना है कि हमको भी ऐसा ही बनना है, इनको ही हमें फॉलो करना है। बाबा कहते इनसे भी होशियार बनो, मार्जिन तो बहुत है, कोशिश करनी है ऊंचे से ऊंच बनने की। लेकिन मूल बात बाबा कहते हैं तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। ये सब समझने की बातें हैं। गृहस्थ व्यवहार में भी रहना है, बाबा ने ये नहीं कहा कि घर बार छोड़ दो, घर बार में भी रहना है, और लेकिन बाबा को याद भी करना है, पावन भी बनना है। यहाँ सब पतित हैं, इस दुनिया में तो दुख ही दुख है। सुख का राज्य कब था ये किसी को भी मालूम नहीं है। दुख में कहते हैं हे भगवान हे राम, ये दुख हमें क्यों दिया? क्या अब भगवान किसी को दुख देंगे? भगवान तो किसी को दुख नहीं दे सकते, रावण दुख देते हैं, अपने विकार दुख देते हैं, कमियां दुख देती हैं, इच्छाएं दुख देती हैं। अभी तुम जानते हो हमारे राज्य में और कोई धर्म नहीं होगा, फिर बाद में और धर्म आएंगे, तुम भले कहीं भी जाओ। लेकिन बाबा ने कहा पढ़ाई साथ हो, पढ़ना जरूर है। मन मना भव का लक्ष्य तो मिल गया ना, बाबा ने कहा हाथों से काम करते हुए मन परमात्मा में लगाओ। बाबा को याद करो, बाबा से हम स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं। क्या बाबा ने कहा ये भी याद नहीं कर सकते? ये याद तो पक्की चाहिए, फिर अंत मति सो गति हो जाएगी। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलर दे बच्चों प्रति, मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान सिख व प्रेम से नमस्ते 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 जी, गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार है, मुख्य पॉइंट्स हैं। सवेरे सवेरे अमृत वेले उठ ख्याल करना है, बाबा हमारा बाप भी है टीचर भी है। अभी बाबा आए हैं हम बच्चों का ज्ञान रत्नों से श्रृंगार करने के लिए। वे बापों का बाप भी है, पतियों का पति भी है, ऐसे ख्याल करते हुए अपार खुशी में रहना है। दूसरी पॉइंट है हर एक के पुरुषार्थ को साक्षी होकर देखना है। बाबा ने कहा जिनको भी देखो तो कैसे देखो, साक्षी होकर के देखो। ड्रामा अनुसार हर एक अपना अपना पुरुषार्थ कर रहे हैं। ऊंच पद की मार्जिन है, बाबा ने कहा ऊंच पद पा सकते हो। आज बाबा ने कहा ना ब्रह्मा बाबा से भी आप होशियार बनो, इसलिए तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है।
और आज का वरदान है संगम युग पर प्रत्यक्ष फल द्वारा शक्तिशाली बनने वाले सदा समर्थ आत्मा भव। संगम युग पर प्रत्यक्ष फल द्वारा शक्तिशाली बनने वाले सदा समर्थ आत्मा भव। संगम युग पर जो आत्माएं बेहद सेवा के निमित्त बनती है उन्हें निमित्त बनने का प्रत्यक्ष फल की शक्ति की प्राप्ति होती है, क्योंकि भावने का जो सेवा करते हैं, जो निमित्त बनते हैं, उनको उसके फल की प्राप्ति संगम युग पर ही होती है। ये प्रत्यक्ष फल ही श्रेष्ठ युग का फल है। ऐसा फल खाने वाली शक्तिशाली आत्मा किसी भी परिस्थिति के ऊपर सहज ही विजय पा लेती है। वे समर्थ बाप के साथ होने के कारण व्यर्थ से सहज ही मुक्त हो जाती है। कल की मुरली में बाबा ने कहा था, बाबा की छत्र छाया है और बाबा के सहारे का अनुभव वही आत्माएं करती हैं जो बाबा की सेवा में तत्पर रहती हैं। जहरीले सांप समान परिस्थिति पर भी उनकी विजय हो जाती है। कैसी भी विकराल परिस्थिति है, आज बाबा ने कहा सांप समान परिस्थिति, वो भी क्या हो जाते, उसमें भी उनकी विजय होती है। इसलिए यादगार दिखाते हैं कि श्री कृष्ण ने सर्प के सिर पर डांस किया, क्योंकि अलमाइटी बाबा हमारे साथ है। तो कैसी भी परिस्थिति होगी तो उसमें हम विजय प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि बाबा ने कहा उसका फल बाबा हमें इस समय भी देते और सत्यु के लिए तो हमारा जमा हो ही रहा है। और आज का स्लोगन है पास विद ऑनर बनकर पास्ट को पास करो और बाप को के सदा पास रहो। पास विद ऑनर बनकर पास्ट को पास करो, मन का जो हो गया हो गया, उसको पास समझ करके भूलना है। तो बाबा ने कहा और बाप के सदा पास में रहो। तो इसलिए बाबा ने कहा जब पास्ट को पास करेंगे तो क्या बन जाएंगे, हम पास विद ऑनर बनेंगे। तो इसलिए बाबा ने कहा बाबा के सदा समीप रहना है और बाबा के सदा पास रहना है, तो हर परिस्थिति में पास हो जाएंगे। ओम शांति।